नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं रोहतास दर्पण। लौथू में हम हैं और यहां एक सर्व जन कल्याण संस्थान के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मुख्य अध्यक्ष मेरे साथ योगेंद्र कुशवाहा जी जुड़ रहे हैं। आइए उनसे डायरेक्ट हम बात करते हैं। योगेंद्र जी, सामूहिक विवाह का जो आयोजन आप लोग कर रहे हैं, इसमें किस तरह का ये आयोजन है और इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा? देखिए, आयोजन तो सामूहिक रूप से किया गया है। जो हमारा इलाका जो है थोड़ा सा पिछड़ा इलाका है, और हमारे इलाके में कुछ वैसे बेटी के बाप हैं जो पूरे संसाधन से परिपूर्ण रूप से अपनी बेटियों का विवाह नहीं कर पाते हैं। हम लोग उसी ख्याल से सामूहिक विवाह का आयोजन किए हैं। जैसे कि हमारे क्षेत्र से बहुत सारी लड़कियां आर्थिक तंगी के कारण राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा बेमेल शादी होने पर करने पर मजबूर थे। उसी पर अंकुश लगाने का एक छोटा सा प्रयास हम लोग ने तिलौथू से किया है, और प्रयास ये है कि हमारे जिला की बेटी हमारे ही स्वच्छ मन से अपने ही प्रदेशों में घर की शोभा बने, ऐसा मेरा छोटा सा प्रयास है। बहुत सराहनीय और बेहतरीन सामाजिक कार्य है। किस तरह का सहयोग इसमें मिल रहा है और ये जो आयोजन है, थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा कि कितने लड़कियों का आप लोगों ने यहाँ पे व्यवस्था बनाया है जिनका सामूहिक? देखिए, आयोजन तो हम लोग पूरे व्यवस्था तो उस हिसाब से व्यवस्थित किए हैं कि लड़की पक्ष के लिए अलग, लड़के पक्ष से अलग। इसमें हम लोगों ने 21 जोड़ी शादियों का घोषणा किया था, लेकिन दो तीन प्रेजेंट टाइम में आ गए लोग कि हमारे ही बेटे, हाँ, तो हमने 24 बेटियों का शादी कराने का अपना प्लानिंग किया है। और इसमें पूरा ख्याल रखा गया है कि दोनों पक्षों को लोग की सुविधा मुहैया कराया जाए, और बेटियों को सबसे सम्मान की हम लोगों ने बात रखा है कि बेटी को भले ही गरीब या संसाधन की कमी है उसके घर में, लेकिन जब हम लोग इस सामूहिक विवाह में जब शादी संपन्न कराएंगे तो उस बेटी को गरीबी और उस बाप का आर्थिक तंगी का ख्याल नहीं आने देंगे। मैंने आपका कहने का मतलब ये है कि एक बेटी होना समाज का या लड़की के बाप पे कभी बोझ न बने, इसमें एक नई पहल है। हाँ, नई पहल है। और हम लोग प्रयास है कि आने वाले समय में एक बेटी का बाप का जो बहुत सारा समाज में होता है, जिसकी दो चार बेटियां हो जाती है, उसको थोड़ा सा कमजोर नजर से देखा जाता है, सहाय नजर से देखा जाता है। लेकिन अब हम लोग ने ऐसा प्रयास करेगा, जिनकी दो बेटी है वो भी सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि हमने दो बेटी का बाप है। अच्छा, इस पूरे सिस्टम के आप अध्यक्षता कर रहे हैं, किन किन लोगों को का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के बाद आगे के दिनों में या आगे आने वाले सालों? देखिए सर, बात ऐसा है कि पिछले बार शादी समारोह किया गया था, उसमें सहयोग का ही नतीजा है। पहला नंबर तो हमने जो शादी संपन्न कराने जा रहे हैं, ये जो एक हम सामाजिक संगठन सर्व जन कल्याण संस्थान के बैनर तले इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं, और इसके मेंबर और हमारे साथ रहने वाले दोस्त मित्र या और हमारे इलाका के लोग का उतना सहयोग है कि सहयोग पिछले बार का सहयोग का नतीजा है कि हम लोग 4 गुना शादी कर रहे हैं, और अभी पिछले बार से और बढ़ चढ़ के लोग सहयोग दे रहे हैं। इसका नतीजा ये निकलने वाला है कि 21 मार्च को हम लोग घोषणा करने जा रहे हैं कि आने वाला समय में 51 जोड़ी शादी इसी खेल मैदान से हम लोग संपन्न कराएंगे। चलिए, आपके इस उत्साह का हम सम्मान करते हैं जो सामाजिक सरोकार में आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से दहेज या दहेज के परिप्रेक्ष्य में लेन देन का जो परिपाटी बढ़ा, लड़कियों को एक बोझ के रूप में देखा जाने लगा था या देखा जाने लगा है, अभी भी उस तरह के परिपाटी है, दहेज के बारे में आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, दहेज के लिए हम लोग तो चाह रहे हैं कि दहेज मुक्त, हम लोग जितना शादी करा रहे हैं लगभग सब दहेज मुक्त ही शादी करा रहे हैं। हम लड़के पक्ष वालों से ही कहें कि आप एक दहेज के लालच में किसी बेटी के बाप को सपना तोड़ देना, या इतना बेटी के बाप दहेज दे करके दब जाता है, वर्षों उस दहेज की कर्ज को भरपाई करने में लग जाता है, वैसे हम अपने इस संस्थान के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे कि ये दहेज पर अंकुश लगे, और आपको दहेज में बहुत सारे उपहार की जो अपेक्षा है लड़की पक्ष से, हम लोग समाज के लोग मिल करके उस उपहार को गरीब बेटियों को भरपाई करने के लिए तैयार हैं। हम लोग हर एक लड़के के बाप से मेरा आग्रह होगा। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी।